वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी GT Neo 2 जो डिवाइस है, इस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI 3.0 का जो अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म सेकंड बैच आपको आपके डिवाइस में कब तक लाइव किया जाएगा। काफी सारे यूजर्स यार वेट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में रियलमी UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा। इस बीटा फॉर्म को आपको अपने डिवाइस में किस प्रकार से अप्लाई करना है, यहाँ पर किन यूजर्स को अपने डिवाइस में इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और किन यूजर्स को यहाँ पर इस फॉर्म को मिस करना चाहिए, इस अपडेट से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी GT Neo 2 डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI 3.0 अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म के बारे में। तो इस बीटा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा अपडेट को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने डिवाइस में रियलमी UI 3.0 बीटा अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो उस बीटा अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे बैटरी ड्रेन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन यूजर्स के बारे में बात करके जिन यूजर्स को अपने डिवाइस में रियलमी UI 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है टेस्ट के हिसाब से, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपको चले जाना आपके डिवाइस की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके डिवाइस में राइट टॉप कोने पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपका ट्रायल वर्जन से होगा, ट्रायल वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पर अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में। अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। रियलमी पर से जब लाइव किया जाएगा फॉर्म को तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगा। उस अर्ली एक्सेस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको आपके डिवाइस में एक फॉर्म देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड होने के बाद जो आपका फॉर्म है वो अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव या फिर पास्ड होगा। अप्रूव या फिर पास्ड होने के बाद आपका डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको रियलमी UI 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। उस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके डिवाइस में आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जैसा ऑडियोस, वीडियोस, फाइल्स, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। अगर आपके डिवाइस में रियलमी UI 3.0 का जो बीटा अपडेट के साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आपका डेटा भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पर आपके डिवाइस की चार्ज जो 60% प्लस होना चाहिए। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज 10 GB की फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में रियलमी UI 3.0 का बीटा अपडेट को इंस्टॉल करिएगा। अब बात करते हैं कि यार आपके डिवाइस में इस बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा। तो रियलमी की ओर से ऑफिशियली कंफर्म डेट तो प्रोवाइड कर दी गई थी, जैसा कि यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में बताया गया था। तो यहाँ पर आज 23 फरवरी हो चुका है, तो आपको आज या फिर कल में यहाँ पर यह बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपको एक्टिव रहना है, यहाँ पर ट्रायल वर्जन में आपको बार बार चेक करते रहना है। यहाँ पर आपके डिवाइस में कुछ न्यू अपडेट आया हुआ है जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो आपको अपडेट कर लेना है, यानी कि आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखिएगा, तभी आपके डिवाइस में ये अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म शो होगा। तो यार सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के साथ शेयर कर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।